ओके गजनी का बाजार, गजनी का किला, गजनी का जेल ही है गजनी। भाई और खड़े हुए हैं और पता नहीं क्यों आ गए बंदूक का ले आ गए घोड़े के उत्ते रखे हुए ने हाथ। मिट्टी इन्नी ज्यादा बी राह सड़क इन खराब आ ता करके बी मूह दे ते सारे बुरे हाल हो जाते हैं। ये आ गए अपना गजनवी दे दा मकबरा है कबर है इत्थे अगे जाके गजनवी का किला है जिहड़ा महमूद गजनवी उहदे बारे मैं तुहाडे नाल गल्लां बातां करदे आं हुणे। महमूद गजनवी जिहड़ा ना देखो इस एरिया दे विच गजनी दे विच पहला हिंदू बुद्ध सारे रहिंदे सीगे सत्तवीं शताब्दी दे विच इत्थे मतलब इस्लाम दा आउणा होया सीगा। फिर उस तों बाद गजनवी दा जदों राज आया सब तों पहला दसवीं सदी दे नेड़े तेड़े दी गल्ल है। गजनवी गजनी जिहनूं आपां कहिंदे आ गजनी कहिंदे ने। सो सोमनाथ का मंदिर कहते सोमनाथ का मंदिर जे कोई जे गजनी लुटदा ना लॉर्ड डोगरियां दी शह ते लॉर्ड हीरा कुटदा ना लाहौर दे अखां हुंदियां ना जे आंढ गवांढ दियां साढ़े गोरे पाउंदे पट्ठे मेमा भांडे मांजदियां। सो ये तुसीं गाना सुनिया होगा रणजीत बावे का। सो ये उस गजनी दे किले दे विच आपां आए हां मतलब ये उहदा मकबरा। इस तो अगे आप किले च भी जावे। सो गजनी ने सब तो पहला सोमनाथ क्योंकि देखो जिन्हें भी इस्लामिक ये हुए गजनी चाहता कि उहदा भी एक नाम हो इस्लामिक राजां दे विच बहुत ज़्यादा है ना। सो वो नाम किवें हुंदा सी कोई धन दौलत वाली चीज़ नूं किसी होर दी चीज़ नूं पराई चीज़ नूं लुट के। सो गजनी ने की कीता सीगा सोमनाथ का मंदिर लुटिया सी सब तो पहला आपदे आप नूं साबित करन लई इस्लामिक राजां दे विच कि हाँ मेरा भी कोई रुतबा है। उस तो बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी लुटिया औरंगजेब ने भी शायद 1665 के नेड़े तेड़े जिहड़ा सोमनाथ का मंदिर लुटिया सीगा बहुत सारा सोना लुटिया सी यही फर्क सीगा सिखां दे राज च इन्हां दे राज विच इन्हां ने लुटिया। अज हालात की ने तुसीं जाणदे हो उज़्बेकिस्तान ने किन्ना कुछ किया हालात की ने जाणदे हो। सिखां ने महाराजा रणजीत सिंह का राज यह सीगा कि सब तो पहला उन्होंने गुरुद्वारे च सोना चढ़ाउण तो पहला मंदिर ते सोना चढ़ाया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च का बराबर सन्मान किया जाता सीगा महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे विच। सो खैर जो भी आ गजनी दे किले च आए हैं गजनी बारे गल करांगे। ये गजनी का मकबरा मकबरा ना गजनी का मकबरा मैं लगता है मकबरा आप वेख के फिर जावे। हाँ किले दे ठीक है ये मकबरा है मकबरा है। किला किधर है किला ऊपर जाना पड़ेगा जाना। ओके सारे इतने लिखे हुए किड़े साल तो किड़े साल तक अमीर अलप तिगिन सारे दे पैरी तिगिन अमीर इस्माइल जिन्हें भी सुल्तान मुहम्मद गजनवी सत्तवां सुल्तान सी भाई द रूलर ऑफ द गजनवी। गजनवी दे जिहड़े रूलर सी 239 साल तक जिन्होंने राज किया गजनवी ते उन्हां दे विचों सत्तवां रूलर सी सुल्तान मुहम्मद गजनवी 1997 तो 1030 तक कोई मैं कहना दसवीं सदी के नेड़े तेड़े उन्हें 33 साल राज किया सुल्तान मुहम्मद सुल्तान मसूद सुल्तान मुहम्मद सैकेंड टाइम भी आया ये सुल्तान मुहम्मद कोई होर होगा हाँ होर है गजनवी नहीं है सुल्तान अहमद सुल्तान अली ये पंजाब के शासक ने केसरव मलिक ते केसरव शाह 1149 तो 1201 ये पंजाब का मतलब शासन है ये बहुत पुराना लेकिन उस तो बाद कुछ है ही नहीं गा क्योंकि उस तो बाद 24 तो अगे कुछ है ही नहीं गा मतलब पंजाब का हिस्सा होंगे सीगा। गजनवी की कबर देख सकते गजनवी की है ना ये गजनवी की कबर है भाई ये लिखा है अच्छा ये की लिखा है ये बारे अच्छा सोमनाथ का मंदिर लुटन वाले की कबर देखो ही सामने है चीज़ मैं थोड़ा होर दस देव देखो इतने 1249 तो बाद वाले कोई भी शासकों के नाम नहीं लिखे हुए इन पंजाब लिखता से बस कि उदो पंजाब दे विच शामिल हो गया से ये जड़ा हिस्सा है तो फिर उस तो अगे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ पर एक गल है देखो सोमनाथ का मंदिर दे विच बहुत सारा धन सीगा सोना सीगा और हीरे सोने जो भी सीगा। सो बहुत सारे शासकों ने उन्होंने लुटिया चार या पांच बार अलग अलग शासकों ने उन्होंने लुटिया पर सिख राजे महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु घर तो पहला मंदिरों के सोना चढ़ाया। सो ये फर्क थोड़ा नज़र आता और कोई भी सिख अज की डेट के इतने हालात ये ने कि लोग पांच रुपए ले भी मजबूर ने पर सिख कोई भी भुखा नहीं सौंदा। सो भाई कह रहा कि किला जोड़ा वो बंद है की कहना किले का है
हाँ दुरानी जिन्हों आप अब्दाली भी कहने हैं। सो तुम सुने होना गजनी के बाजार हिंदुस्तान तो लिया हुई कुड़िया बेचता सगा। सो वह भी यही शहर है गजनी, वह शहर है जिते इतने गजनी का बाजार लगता सगा और इतने वह कुड़िया बेचता सगा। फिर उदो जी एक कहावत बनी अच कई बार लोग मजाक के लेंगे कि सिंह के 12 बज गए, वो 12 उदों बजते सिंह उन्हें रात के 12 बजे हमला करते सिंह तो वह कुड़िया उतों छुड़वा के लैके आए करके उदो ये गल बनी कि सिंह के जोड़े 12 बजते सके। सो यो जगह है जिते मैं इस टाइम घूम रहा इस शहर के इस इतने हूँ एग्जैक्ट तो लोकेशन मौजूद नहीं हैगी भी कितने बाजार लगता स, पर हाँ ये गजनी शहर और इस शहर के बाजार लगता स जितों हिंदुस्तान तो लिया हुई कुड़िया बेचा जाता से उन्होंने बोली लाई जाती है। किधर है? किधर कला किधर? इधर है। चलो चलो भी आप कबर देख के आ गए, किला देखा, किले वाले पासे जाने का प्लान है। मैं तो उधर से रास्ता इसमें गिरेगा तो नहीं भाई ने गड्डी नाली दे बचाले कर लिया यार ये गिराएगा इसमें क्या बचाले करके चला रहा ना उधर खतरनाक ड्राइवर ही करता है यही है जो भी है। अभी गजनी का किला देख सकते हो, एक गजनी का किला है आ है ये परले पास जेल आता टुटा फुटा पाया मतलब उदा ही आन कोई राह रूजा भी नहीं इदा ही बस माड़ा मोटा देखा चढ़ना पेगा चढ़ चुट तो सकते हैं किसी कोई खड मोरी बेच दी तो यह गजनी का किला बी गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लुट के इतने लिया सब कुछ इस्लाम के आपका ना बनाने इस्लामी राजा के हाँ बई मेरी भी कोई पछाण है मैं भी एक हैगा पर पिछे तुम देखा मकबरे के अज दफन होया पा सो लुट्टा खूँ ये शुरू तो रहा जिन्हें भी उज़्बेकिस्तान तो आए जिन्हें भी आए उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान से अटैक किया हिंदुस्तान के मंदिरों लुटिया बाद च गुरु घर के उ भी जो सिख धर्म वध्या तो गुरु घर के उत्ते भी इन्होंने बहुत सारे जुलम किए। सो पर अज हालात इन्होंने आपके देशों के की ने मैं दसन की लड़ नहीं आने टाइम का उमें गजनवी का किला जो मौजूद हैगा देखो उत्ते किमें बारियां लगी हुई मतलब मिट्टी मिट्टी उस टाइम की लगी होगी मैंने तो नहीं लगता दोबारा किसी ने लाई होगी उदों की बच्च इट्टा पत्थर देख लो हज़ार साल तो भी वध जड़ा ये पुराना है ये गड्डी साड़ी चल चली उधर नूं मैं तुर के चलदा सलाम। गजनी की जेल भी मौजूद है किले के नाल ही क्योंकि जिते जो भी मतलब वो होंगे सके जिन्होंने फड़ते कुछ भी जेल मौके के लिए उन्होंने हिसाब से टाइम होंगे सगा किसी के हिसाब में आपकी अंख की लड़ाई भी कुछ भी हो सकता इतने हूँ खड़े ने बच्चे छोटे छोटे सलाम कैसे हो अच्छा ये जेल है बी आ किला सारे दी आ सारी पिछे किले की बिल्डिंग आ थले जेल सी और देखो ता सारा किला पिया होया उत्ते मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि उत्ते हुण कुछ भी नहीं है सेम इदा सारा कुछ इदा का ही है ये भी मैं उत्ते आ गया थलों वो थलड़ा पासा रह गया ये सारा उत्ते का पासा आ गया ये जेल थोड़ी जी हो इधर नूं जाके आ गई टोए च डिग पिया सी मैं बच गया तो ये जेल की एंट्री आ हुण तां एंट्री भी देख लो की रह गया कुछ भी नहीं ये जेल दे अंदर दा देखो भाई की है पता नहीं की कुछ है इत्थे ओ भाई आ जेल भी कोठड़ियां देखो बारी तक भी नहीं काला पानी जेल दे विच भी बारियां ने इत्थे तां बारी तक भी नहीं है यार कुछ देखो तां गंद पाया पिया इत्थे आ जिहड़े रहिंदे इत्थे आ किदां किदा दियाँ काल कोठड़ियाँ बई ये गजनी की जेल है बई इधरों आ गया अपना बाहर 33 साल तक गजनी दे राज कीता सीगा जिहड़ा मुहम्मद गजनवी सीगा मुहम्मद गजनवी ने 33 साल राज कीता 17 वार भारत के उत्ते उन्होंने अटैक किया और 7 सुल्तान सी 24 सुल्ताना का वीरवा जी
ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗਜ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬੁਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਕਾਬੁਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋਡ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਪਰ ਕੈਸੇ ਜਾਏਗਾ ਰਸਤਾ ਕਹਾਂ ਹੈ अच्छा ठीक है तो देखो उत्तों जा रहा उधर नू रास्ते हुण दा समझ लो टाय टूरी हो गए कोई पौड़ी पूड़ी कुछ देख नहीं रहा सीधा ही है काम चढ़ना जिधर नू मर्जी चढ़ जाओ ते पर जेल जड़ी आ थल्ले सी आ बणियां ने जे फलियां आईयां पता नहीं की कहंदे यार इहनू आ देखियो नेड़े अपने भी हुंदियां इदां इहनू फलियां आईयां लगदियां छोटे छोटे बूटे जी बड़े ज्यादा है ते इहनू जंगली चिड़ियां उठ जांदियां इधर उत्ते आ गया आपां होर अच्छा इतों दी चढ़ सकते सीधा ही नौ तो घूम के आना पेगा इधर दी चलते हैं यार ओके थैंक यू सोए भाई भाई आए हैं सानू देख के इतने आ गए भी क्यों आए हुए उन्होंने सानू सद्या मैं गलबात की हिंदुस्तान पंजाब आपका नाम क्या है नाम 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 खालिद खालिद आपका जुबैर आपका आपका मेरा नाम नवदीप सिंह है इधर गजनी का बाजार गजनी का किला गजनी का जेल ये गजनी का जेल ये देखने आया मनाना मनाना ये मनाना सही भाई यार इन्होंने पूछ पड़ताल की चले गए उधर साडा गड्डी वाला भाई मेरे उत्थे खड़ा होया उन्हें गलबात करांगे वो कहिंदे जे कोई दिक्कत हुई तो सानू दस दिओ गाड़ी किधर उधर खड़ा चलो हूँ इधर दी यार हैगा तो है कोशिश कर दें इतों चढ़ इधरों चढ़ गया भाई सह चढ़ गया उतों भी आ सकते थे उत्ते भाई होर खड़े हुए हैं बंदूक खड़ी हुई है उत्ते थोड़ा जहा होर जावे कहते यार आए पहले पूछन लग गए मैंने थोड़ा इदा हो गया मैं पता नहीं क्यों आ गए बंदूक लेके घोड़े के उत्ते रखी हुई हाथ हाँ 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 कुछ नहीं मतलब इदा सीरियस हो गए हाँ मतलब इदा सीधा बंदूक लैके दो बंदे ए पहुंच गए थलो कि बंदे इधर उधर निकल चार बंदे आ गए इदा घेराबंदी करके मैं क्या मैं थले जा रहा सी मैंने कहता इधर आ इधर मैं गया मैं बुलाया मैं यही गया मैं क्या मैं पंजाब हिंदुस्तान दो फिर खुश हो गया एकदम उन्हें समाइल दी मैंने मैं क्या पासपोर्ट दिखावा कहना हाँ दिखा दे पहला कहना छड्ड फिर कहना चल दिखाई दे उन्हें वैसे ही देखना सी देखिया फिर कहना ठीक है आ जाओ कहना उत्ते घुमाना फिर मैं फोटो फोटो खिंची इदा बंदा ठीक है यार वो आपकी सिक्योरिटी रीजन करके ठीक है हर किसी को करना पैंता बंदा डर ही जाता सो इधर दी उत्ते जाना उत्ते दा राह इधर ओ देखो साडी गड्डी थले रह गई आ गया भी गजनवी दा किला होया पता कि मैं थले बाथरूम कर रहा सीगा तालिबान वाले उत्ते बैठे थे किले दे देखे नहीं मैं बाथरूम कर रहा सी थले उन्होंने देख लिया मैनू लगता पर चल उन्होंने कुछ नहीं किया वैसे यार है ना गेम था जी ने बाकी किले का तो हुण नामो निशान नहीं है बस किला है बस कहन उदा का कुछ भी नहीं ये देखो ये सारा बनया हुआ वो भाई हरी भी आ गए उधर कोई आर्मी का कुछ खड़ा को कुछ इधर पे देखो हाँ देखो भाई समझ कुछ नहीं लग रही की है आ मेन होगी जगह कोई जिते उस टाइम मतलब बहंदे उठते हो गए शायद हूँ भी कोई बहंदा उठता हो गए इतने लगता कोई वर्दी वर्दी पई है ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਹ ਬਾਈ ਆ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਸੰਦ ਵਾਲੇ ਮੇ ਪਏ ਆ ਕੁਛ ਕੋਈ ਤੋਫ ਤੋਪਾਂ ਤੋਪਾਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਪ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਜਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਾਬੁਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਬੁਲ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕੰਧਾਰ ਕੰਧਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ 300-280-290 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੰਧਾਰ ਕਾਬੁਲ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
काफ़ी ज़्यादा मतलब किले के उत्ते इन्होंने काफ़ी जगह बनाई हुई उत्थे रहिंदे सारे तालिबानी तो कुछ इत्थे आ सिक्योरिटी मतलब इत्थे फुल टाइट रखते हैं। वो सद रहा भाई कहिंदा आ जाओ, मैं क्या आ गए भाई अज तो भज्जे आ रहे हैं, बस दो मिनट रुक पहुँच गए हूँ समझ ला। मैंने यार बैग बूग ना लिया, मेरे बैग के लैपटॉप आ होर बाकी सारा समान तो मैं आपके कोल ही रखता हूँ। सो ये देखिए भाई तुम गजनी का किला, गजनी की जेल, गजनी का मकबरा इस वीडियो के आ गई साड़ी गड्डी, हम चलेंगे काबुल। तो भाई उतो वापस आ रहे थे वो तालिबान आए तो सानू लैके आ गए आपके वे अफसर को मतलब उच्च गलबात चली वाह तेरा भाई का लाइसेंस देखा तो भाई ने गलबात की इन्हें जिनी कुर्दू आ समझाया समझूगा एक कहना ठीक है दूजा पर कहना नहीं नहीं आ दिखाओ फलाना ने पासपोर्ट देखा फिर ये दूजे को अरबाज को लिखाया होया देख लिया फिर कहना भी नहीं यार एक बंदा सा एक बंदूक आ सू जेल लैके चला गया जेल जाके उ कहना भी तेन अंदर लैके जावे ठप्पा मरावे फिर उस तो बाद जो गया अंदर वहाँ पे क्या बोल रहा 3 दिन इधर रुकना पड़ेगा छुट्टी है वो कहना भाई छुट्टी है जब तक ठप्पन लगू इतने रुकना पेगा फिर बाद ने क्या यार गलबात की फिर कहना दूजा एक बंदा सही सगा वह कहना चल यार जाओ छोड़ो अरबाज में तो लैके से अखा बन के एक सू भी रोकता सन्दर लैके जाते तो अखा बंद के सानिया लैके जाना चलो बचत रहेगी कुल मिला के नहीं तो मतलब ज्यादा काम बिगड़ सकता सी। जा रहे हैं काबुल वापस आ देखो जिम्मे रोड टूटी हुई है इतने भाई दस रहा मैंने पहला यकीन नहीं आया भाई कहना कसम यह गल है ये क्यों टूटा है, है? क्यों टूटा बताओ आप चुप हो गया भाई कहना भी इतने तालिबान ने पहला बंब सुटे कहना जो पहला पहले है पहले है पहले 2 साल पहले 3 साल 5 साल पहले अब नहीं करता बिल्कुल ही मतलब जमा ही टूटी फूटी टोए पे पे। सो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई तालिबान तेरे नाल कुछ भी गलत कर सकता है। सो ऑलमोस्ट गलत होंदे मेरे नाल बच गया पर हाँ तालिबान ने मैनू जेल के दर्शन जरूर करवा दिते पर उन्होंने मैनू कोई टॉर्चर नहीं किया। मैं थोड़ी जानकारी लिए दस देव कि 90% बंदे काफ़ी सही ने थोनू चाह पानी पुछणगे इज्जत करनगे पर 10% बंदे माड़े भी ने बई तालिबान दे विच। सो उन्हां ही माड़े बंदियां दे विचों कुछ बंदे अज मिले सो जिन्होंने सानू जेल तक पहुँचाया पर एट ऑफ द एंड जिहड़ा सब तो वड्डा अफसर सी वो काफ़ी सही सीगा जेकर वो सही ना हुंदा तां हो सकदा कि 3 दिन लई मैनू तालिबान की जेल दे विच रहना पैंदा और देख के तो नहीं लगे कि वह मेरे नाल माड़ा सलूक कर दे पर बई कर भी सकते सीगे। सो मैं शुक्र मनाना इत्थे कि लास्ट का जिहड़ा अफसर सीगा वह काफ़ी वधिया सीगा और उन्हें सानू उत्थों जान दिता ते साढ़े साथ पए सो असी सुखी संधी काबुल पहुँच गए।